दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पार्ट वन का जो प्रमोटेड स्टूडेंट है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के पार्ट वन का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जिसका कि बैक लगा हुआ है, जो कि पुराना स्टूडेंट है 18 से 19 सेशन का, या तो वह किसी न किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है या फिर वह फॉर्म नहीं भरे हैं, उन लोगों के लिए बेहद खुशी वाली खबर है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के पार्ट वन का फॉर्म भरा जा रहा है 2019-20 सेशन में, उसी के बीच आपका 2018-19 का भी जो बैक वाला स्टूडेंट था या फिर जो कि प्रमोटेड वाला स्टूडेंट था वह फॉर्म भर सकते थे। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट है हमारे चैनल पे कि हमारा फॉर्म नहीं खुल रहा है, दो तीन दिन पहले कुछ लोगों का तो फॉर्म हो गया है लेकिन उसका कुछ अनमना ढंग से हो गया, उसका फॉर्म सटीक ढंग से फॉर्म खुल नहीं रहा या फिर किसी का पार्ट वन सेव नहीं हो रहा, किसी का लॉगिन नहीं ले रहा। इन सब तमाम जो भी परेशानी है इसको दूर करते हुए जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना एक नया टाइमलाइन देने का प्रयास किया, नया डेडलाइन देने का प्रयास किया है। और वह डेडलाइन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप यदि आप उसके टाइप का स्टूडेंट हैं, आप हैं जो कि आपका 18-19 का सेशन के स्टूडेंट हैं और आपको प्रमोटेड वाला फॉर्म भरना है या फिर प्रीवियस ईयर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था उसका फॉर्म भरना है, तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है, नोटिस क्या जारी हुआ और कहाँ पर आपको उसको चेक करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तमाम जानकारी मैं आपको फटाफट दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पर फटाफट आपको यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वैसे करके, लेकिन आप यहाँ पर इस लिंक पर जैसे ही जाते, यदि आपको पहले भी आप फॉर्म भरने का प्रयास किए होंगे, इस टाइप का आप इंटरफेस पर आए होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट टाइप पे आप क्लिक किए होंगे, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके अपना फॉर्म भरने का प्रयास किया होगा। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा हुआ होता है डैश का फॉर्मेट में, यदि वह डालते हैं तो आपका लॉगिन कभी कभी होता है नहीं, इनवैलिड बोलता है, या कभी कभी लॉगिन होता भी है तो आपको वहाँ पर जो स्टेप वर्ड आपका जो फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल्स वह आपका सेव नहीं होता है। तो मैं इसी का आंसर दे दूँगा आपको, उसके लिए आप घबराएं नहीं, जैसा कि बताया कि सबको 16 तारीख को डेट लास्ट है, 16 अक्टूबर को नहीं मेरे दोस्त। आप देखिए यहाँ पे एक नया न्यूज़ आया है, नया एक नोटिस है, बैक एग्जाम फॉर्म विल बी लाइव फ्रॉम 17/10/2020। या दोस्तों 17 अक्टूबर 17/10 से उसका स्टार्ट ही होगा, यानी कि जिसका भी बैक का फॉर्म है जो कि पिछला सत्र का है 2018-19 सेशन का है, प्रमोटेड है, किसी न किसी विषय में फेल है या फिर फॉर्म नहीं भरे हैं, उन लोगों के लिए खबर है जो कि वह 17/10 से यानी कि 17 अक्टूबर से उसका फॉर्म भरना ही है, उसका फॉर्म शुरू ही होगा। उससे पहले आप ट्राई करते हैं और आपका होता नहीं है तो आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पर परेशान होकर आते हैं, वहाँ से सूचना लेके आते हैं, बहुत लोग कैफे कैफे घूमते रहते हैं, कॉलेज तंग होते हैं लेकिन उसको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो मैं आपको प्रयास कराता हूँ कि यह देखिए एक नोटिस यहाँ पर है जो कि बैक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप विल बी लाइव ऑन 17/10/2020, यानी कि 17/10 से आपका यह फॉर्म स्टार्ट होगा जिसका भी बैक है। तो उससे पहले लोग परेशान ना हो, आप वेट करें, 17-18 तारीख को आप फॉर्म भर सकते हैं, 4-5 दिन का तो फॉर्म डेट देना ही देना है भरने के लिए, आप उसके लिए परेशान ना हो, आप ना यूनिवर्सिटी जाए ना कैफे कैफे में आप किसी तरह से परेशान हो। आप 17 तारीख के बाद आप खुद से भी चाहे तो घर बैठे आप इसी टाइप जो है क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका प्रिंटेड है दोनों में डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका पर्सनली आपको जवाब दिया करूँगा, या तो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत बेहद लाभदायक हुआ, यदि हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लिक नोटिफिकेशन को ऑल दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।